गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। 1015वीं जयंती पर सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर का बयान। राहुल अखिलेश की जोड़ी यूपी में कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। अरविंद राजभर। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर क्षेत्र के अनौनी स्थित अम्बेडकर मैदान में महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1015वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा कि धर्म, समाज और संस्कृति के रक्षक श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बहराइच मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा जाना स्वागत योग्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गाजीपुर से नई दिल्ली तक सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन चलवाना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस मौके पर विधायक वेदी राम लल्लन राजभर, धर्मदेव यादव, रितेश सरोज राजभर, मुन्ना राजभर, छोटेलाल राजभर, पंकज दुबे, बृजेश सिंह, विकास राय, सुनील राजभर, सुंदरम राजभर, रामजी राजभर, रियाजुद्दीन अहमद सिंधासन, राम सांचू राजभर, ब्रिजभान राजभर आदि रहे। अध्यक्षता बबलू राजभर ने किया। क्या कहेंगे? देखिए, ये हर साल की तरह इस साल भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1015वीं जयंती, और ये जयंती का कार्यक्रम लगातार 11 फरवरी से लगातार चल रहा है। अभी मैं कल चंडीगढ़ में अपने कार्यक्रम को संबोधित किया सुहेलदेव जयंती के कार्यक्रम को, और सीधे कार्यक्रम करते हुए मैं सीधे यहाँ गाजीपुर की इस धरती पर आया हूं। तो आज का जो मूल कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम का जो मूल प्रस्तावना थी वो थी राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती। क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोगों के द्वारा भी कहा गया है कि जिसका इतिहास नहीं होता उसका विकास नहीं होता। आज भी इस धरती पर ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनका गौरव में इतिहास है, लेकिन उसके इतिहास को न तो लिखा गया, न तो पढ़ाया गया, न तो बताया गया। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी हम लोग लामबंद कर रहे हैं कि जो जिनके इतिहास को दबा दिया गया, जिनके इतिहास को इतिहास के पन्नों में नहीं लाया गया, ऐसे लोगों को जगाया जाए और जगा करके उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और उनको बताया भी जाए। पिछले दिनों पुलिस भर्ती निरस्त की गई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पर है। देखिए, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम हो, उसको साफ सुथरी तरीके से कराया जाए, सरकार ने पाया कि यूपीपी के जो एग्जाम पेपर थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे। तो हम लोग भी इच्छा थी कि इससे बहुत सारे बच्चे इस अवसर से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते और धांधली होती, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया था कि इस एग्जामिनेशन को निरस्त करते हुए फिर से सुचारू रूप से समय लेकर के इस यूपीपी की भर्ती को संचालित किया जाए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टोली कितना कमाल कर पाएगी? कुछ नहीं कमाल कर पाएगी। वो 22 में हम लोग थे साथ में, इसलिए कमाल कर दिए। आप पहले से भी सुन रहे हैं हम लोगों की बाइट को कि 80 की 80 सीट हम लोग इस बार जीतेंगे। 72 सीट तो भाजपा जीत रही है और 8 सीटों पर लड़ाई चल रही है। वो 8 सीटें जब तक हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, वो 8 सीटें जीत करके इस बार अखिलेश यादव जी को अंडा बेचवाएंगे। बीएसपी में लगातार टूट हो रही है, क्या कहना चाहिए? बीएसपी में उनके संगठन स्वाभाविक तौर पर है, जब संगठन काम नहीं करेगा तो लोग बैठ के थोड़ी मजा लेंगे वहां पर। और उनके लोग तो हम लोगों की पार्टी से संपर्क में है, बहुत सारे लोग बीएसपी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 29 तारीख को हम लोग सोनभद्र में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के बड़े से छोटे नेता सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसा है कि पार्टी चलाने के लिए जमीन को उतरना पड़ता है, बहन मायावती जी नहीं कर पा रही है, तो उनके भी कार्यकर्ता पदाधिकारी इस चीज को देख रहे हैं। उनको जहाँ सम्मान मिल रहा है, जहाँ काम करने का अवसर मिल रहा है, वहाँ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया, अखिलेश के पीडीए का कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। अखिलेश जी का पीडीए है क्या? अखिलेश जी तो कुछ ही कंफ्यूज हैं कि ये पीडीए किस चीज का है। अभी लखनऊ में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब बनारस में आके लोगों ने पूछ दिया कि आप सामान्य वर्ग के विरोधी हैं क्या, तो कहना ना पीडीए मतलब कि पिछड़ा दलित अगड़ा, फिर अल्पसंख्यक छूट गया। वो खुद ही कंफ्यूज हैं, उनको थ्री इडियट पिक्चर देख लेना चाहिए था। धन्यवाद। थ्री इडियट